अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है एंड आई एम वर्किंग एज ए हाउस ऑफिसर एट फारूक हॉस्पिटल। जैसा कि हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लेक्चर्स का स्टार्ट किया था, तो अभी तक 9th क्लास केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फिजिक्स के हमने लेक्चर स्टार्ट कर दिए और स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो आज हम 10th क्लास के भी लेक्चर स्टार्ट करते हैं ताकि 10th क्लास के स्टूडेंट्स भी समझ सकें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर सकें और अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकें। तो लेट अस स्टार्ट टुडे चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, चैप्टर का नाम है डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन होता क्या। एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर दो सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं और एक मिल के एक ऐसा सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो चीजें कंबाइन होती हैं, जो चीजें आपस में मिलती हैं, उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। और जो चीज बनती है, द सब्सटेंस दैट इज फॉर्मड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस बोर्ड में आता होता है, व्हाट इज रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल रिएक्शन। तो हम पढ़ते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट दोबारा रिकंबाइन होके रिएक्टेंट्स बनाए, यानी एक रिएक्शन चल रहा है, रिएक्टेंट्स मिले, प्रोडक्ट बन गया। अब प्रोडक्ट ने दोबारा वही रिएक्टेंट्स बना दिए तो उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं, ए प्लस बी गिव्स अस सी प्लस डी। ए एंड बी आर द रिएक्टेंट्स एंड सी एंड डी आर द प्रोडक्ट्स। तो ए और बी जब मिले सी और डी बन गया, उसके बाद सी और डी ने दोबारा मिलके क्या बना दिया, ए एंड बी बना दिया। तो अगर ए और बी दोबारा बन जाएंगे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोबारा बन जाएंगे, तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अब इसका डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड के अंदर आता होता है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में हर साल रिपीट होता है। और इंशाल्लाह जो जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको वो लाजमी बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होंगे, आप देखिएगा। तो अब क्या क्या डिफरेंस है। तो नंबर वन मैंने बताया कि रिवर्सिबल के अंदर प्रोडक्ट दोबारा रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं, जबकि इररिवर्सिबल के अंदर प्रोडक्ट दोबारा रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स नहीं बनाते। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए वो डेफिनेशन है कि इट इज अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट टू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म अ रिएक्टेंट इज कॉल्ड इररिवर्सिबल, एंड इट इज अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिकम्बाइन टू फॉर्म अ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिवर्सिबल। तो जो आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है उसको हम डबल एरो से शो करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। और जो आपके पास इररिवर्सिबल है उसको हम सिंगल एरो से शो करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस बोर्ड में आता होता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनाए, प्रोडक्ट्स ने दोबारा रिएक्टेंट बना दिए, फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ मूव करता है, फिर रिवर्स की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो इस वजह से रिवर्सिबल रिएक्शंस कैन नेवर गो ऑन टू कंप्लीशंस, जबकि इररिवर्सिबल में एक दफा रिएक्टेंट्स ने मिलकर प्रोडक्ट बना दिया तो बस रिएक्शन खत्म, और वो रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो अब हम बड़ी इस रिवर्सिबल रिएक्शन को समझने के लिए एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो आपके आगे बुक में दी गई है, विच इज हाइड्रोजन आयोडाइड, विच इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो लेट अस हैव टू गैसेस which is hydrogen gas and iodine gas. अब iodine gas का जो color है वो purple होता है। क्या color होता है? Purple. जबकि hydrogen gas जो है वो क्या होती है? Colorless होती है, colorless. तो आपने एक flask लिया, this is the flask जो कि close किया, ऊपर से उसके अंदर आपने hydrogen gas डाल दी और iodine gas, ये iodine gas के molecules हैं और ये hydrogen gas के molecules हैं। तो iodine gas का color purple है जबकि hydrogen gas colorless, और आपने इसको heat किया, जब आपस में ये कंबाइन हुए तो आहिस्ता आहिस्ता पर्पल कलर फेड होना शुरू हो गया, इन आयोडीन मॉलिक्यूल्स का पर्पल कलर फेड होना शुरू हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता आपके पास क्या बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या बन गया आपके पास? हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसका मतलब रिएक्टेंट्स ने मिलकर क्या बना दिया, प्रोडक्ट। तो कलरलेस हाइड्रोजन गैस थी, पर्पल कलर आयोडीन था, तो एज अ रिजल्ट कलरलेस आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। उसके बाद आपने इसी क्लोज फ्लास्क को दोबारा हीट करना शुरू किया, तो जब आपने दोबारा हीट किया तो वही हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा डिकम्पोज होके इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस के अंदर।
तो ये रिएक्शन दोबारा, यानी जो प्रोडक्ट बना था वो दोबारा डीकम्पोज हो गया, किसमें जाना शुरू हो गया, रिएक्टेंट्स में जाना शुरू हो गया। तो अब डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया हाइड्रोजन गैस की, और आपके पास हाइड्रोजन और आयोडीन दोबारा रीअपीयर होना शुरू हो गए। और आप कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन और आयोडाइड मॉलिक्यूल्स, आयोडीन के मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हो गए हैं, कि इस फ्लास्क के अंदर दोबारा पर्पल कलर आना शुरू हो जाएगा। पर्पल कलर रीअपीयर्स, तो पर्पल कलर आपके पास दोबारा आना शुरू हो जाएगा उस फ्लास्क के अंदर। इसका मतलब क्या है कि आपके पास आयोडीन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल दोबारा बनना स्टार्ट हो गए। तो दिस इज दी एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन के, पहले रिएक्टेंट ने आपस में मिलके प्रोडक्ट बनाया, हाइड्रोजन और आयोडीन मिले, कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, उसके बाद दोबारा आपने उसको हीट किया एक फ्लास्क के अंदर और डीकम्पोज होकर दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन के मॉलिक्यूल बन गए। और हमें कैसे पता चला, पर्पल कलर पहले फेड होना शुरू हो गया, इसका मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, उसके बाद कलर पर्पल कलर दोबारा रीअपीयर होना शुरू हो गया, इसका मतलब आयोडीन दोबारा बनना शुरू हो गया। तो ऐसे रिएक्टेंट्स ने मिलकर प्रोडक्ट बनाया, और प्रोडक्ट ने दोबारा क्या बना दिए, रिएक्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट था, और बोर्ड के अंदर इस टॉपिक के अंदर से सबसे पहले आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, नंबर वन शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद नंबर टू शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। उसके आपने तीन मैंने डिफरेंस बताया आपको, डेफिनेशन नंबर टू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एंड डबल एरो। नंबर थ्री, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते, जबकि इरिवर्सिबल कंप्लीट रिएक्शंस होते हैं। और उसके बाद आपके पास मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको रिवर्सिबल रिएक्शन का समझाया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये भी आपका बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये छोटा सा हमारा लेक्चर था इंट्रोडक्टरी केमिस्ट्री का, अगर आपको समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।